हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. दिस इज़ कृपा पंचाल फ्रॉम HST क्लास 6, 7 एंड 8. सो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 का सेकंड लेक्चर का तीसरा पार्ट. दो पार्ट हमने कर लिए हैं और आज हम इसका पढ़ेंगे तीसरा पार्ट. चैप्टर का नाम क्या है? द सुनामी. हमने दो आगे के दो जो है पार्ट वो पढ़ लिए हैं. उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट में जो था वो मेन सुनामी कहाँ आई थी, थाईलैंड में आई थी 26 दिसंबर 2004 को. और उसके उसके कुछ असर इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है उस पर भी हुई थी. उसका जो फर्स्ट पार्ट था ये चैप्टर का, उसमें हमने देखा कि कैसे लोग अपनी करेज से, बहादुरी से बच गए थे वो अर्थक्वेक से, सुनामी से. और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जो थाईलैंड में फुकेट बीच पे जो सुनामी आई थी उसमें एक गर्ल ने कैसे अपने, उसने लेसन पढ़ा था जियोग्राफी का सुनामी का और वीडियो देखा था उस पे से जो वेव शेक हो रही थी अर्थ, उसमें से उसने जान लिया कि कुछ गलत हो रहा है. वो चिल्लाने लगी, बहुत ही डर गई थी और उसकी माँ को बोल रही थी कि बीच से दूर चले जाओ. ऐसे उसने कितने लोगों की जान बचाई. ऐसा था टेली स्मिथ का जो सेकंड पार्ट था वो. और थर्ड पार्ट हम आज स्टार्ट करते थे, आज स्टार्ट करते हैं. सो देखते हैं. बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. क्या है कि जो giant waves थी सुनामी की वो आने वाली थी coast पे. उससे पहले ही जो coast पे आई थी giant waves इंडिया और श्रीलंका में, उससे पहले ही जो wild और domestic animals थे उनको पता लग गया थी, अब पता लग गया था कि अब क्या होने वाला है. They fled to safely. वो एक सेफ जगह पे जा चुके थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स के जरिए क्या जानने को मिलता था कि उस समय जब वो सुनामी आने वाली थी तब एलिफेंट्स जो थे वो चिल्लाने लगे थे और दौड़ने लगे थे. डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. जो डॉग्स थे कुत्ते वो बाहर जाने से डर रहे थे. फ्लेमिंगोस एब्डोनेंट देयर लो लाइंग ब्रीड्स ब्रीडिंग एरियाज. जो फ्लेमिंगोस थे वो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज मीन्स वो जहाँ अंडे रखते हैं उस जगह पे चले गए थे. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड could not be enticed to come back out. Zoo animals थे वो अपने shelters से बाहर आ गए थे और अंदर जाने का उसका उनको मन नहीं था. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Many people means कुछ लोग इनमें मानते हैं कि एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, एक सेंस होती है, उन्हें पता चल जाता है कि कब धरती हिलने वाली है या धरती पे जो आँच आती है, शेकिंग के कुछ भी होता है उनको पहले पता चल जाता है, उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं. सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन. सम एक्सपर्ट्स कुछ एक्सपर्ट्स इसमें बिलीव करते हैं कि एनिमल्स को ज़्यादा वो ज़्यादा एक्यूट होते हैं जो अर्थ वाइब्रेशन होती है उसको सुनने में या फील करने में. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर फॉर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनके पास एक सेंस होती है जो कुछ होने वाला है वो ह्यूमन से पहले वो जान लेते हैं, ऐसे उनके पास एक स्ट्रेंथ होती है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट. हम ऐसे तो श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं है, उसका कुछ भी श्योर नहीं है.
बट द फैक्ट इज जायंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन डजन कंट्रीज. कई बट फैक्ट इज, फैक्ट क्या है कि जो जायंट वेव्स आई थी वो इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन पे, इंडियन जो ओशन है उसमें जो जायंट वेव्स आई है उसने उसमें कितने लोग मारे गए थे, 150,000, 150,000 लोग मर गए थे इन डिफरेंट कंट्रीज, डजन कंट्रीज में. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, पर कुछ ज़्यादा एनिमल्स नहीं मरे थे, उसकी कुछ रिपोर्ट आई नहीं है. अलॉन्ग इंडियाज कडल और कोस्ट वेर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ट. कडलोर एक कोस्ट है, किनारा है इंडिया का, उसमें थाउजेंड पीपल पेरिस्ट. पेरिस मीन्स मर जाना, जान गुमा देना. वो जो कडलोर कोस्ट है वहीं पे कितने सारे लोग मारे गए. बफेलोज गॉट्स एंड डॉग्स वेर फाउंड अनहार्म्ड. पर उसमें पाया गया कि जो बफेलोज थी, भैंस, बकरी, गॉट्स, डॉग, कुत्ते, वो कुछ, उनको कुछ ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था, ऐसे वो पाए गए. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड. याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, उसमें कई सारे एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटीज है. उसमें एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स हैं उनकी कितनी जातियाँ थी, 130 अलग अलग, 130 अलग अलग ब्रीड के बर्ड्स थे. 60 विजिटर्स वेर वॉश्ड अवे फ्रॉम दी पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क. वो जो पार्क था उसके अंदर एक पतंगाला नाम का एक बीच था, उसमें 60 विजिटर्स बह गए वो जो वेव्स आई थी उसमें. बट नो एनिमल्स कैरेकेसेस वेर फाउंड. बट किसी भी एनिमल को कुछ भी नहीं हुआ था, किसी भी एनिमल को मरने की कुछ वो रिपोर्ट नहीं आया था, एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोज. जो वाटर में रहने वाली बफेलोज थी उसके सिवा किसी भी वो जो एनिमल का, और किसी भी कोई भी एनिमल मरा नहीं था. अबाउट 1 आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच. अबाउट 1 आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच. जो सुनामी आई थी उसके 1 घंटे पहले उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि 3 जो एलिफेंट्स थे वो पतंगाला बीच से दौड़ रहे थे, बीच से दूर दौड़ रहे थे. अ श्रीलंकन जेंटलमैन मैन हु लिव्स इन अ ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. एक श्रीलंका के जेंटलमैन थे, वो कहाँ रहते थे, गैले में रहते थे, कोस्ट के नियर था एक. वो अपने डॉग को रोज वॉक करने के लिए बीच पे ले जाते थे. बट दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. वो बताते कि उनके डॉग्स वो रोज़ तो एक्साइटेड रहते थे बाहर वॉकिंग करने के लिए, ही सेड. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. क्या बताते, बट उस दिन वो लोग जाना ही नहीं चाहते थे, वो अवॉइड कर रहे थे बीच पे वॉक करने के लिए, और उसकी वजह से उन लोगों की जान जो है वो बच गई. सो यही हमारा ये जो लेसन है, सेकंड लेसन, वो फिनिश होता है. क्या देखा, क्या सीखा इनमें से हमने. ये स्टोरी है जो 26 दिसंबर को जो थाईलैंड में आई थी सुनामी, उसकी ये स्टोरी है. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि
जो सुनामी आई थी थाईलैंड में, उसके कुछ असर हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार आइसलैंड के कुछ हिस्सों में भी असर कर गई थी, और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ लोग बच गए अपने करेज से। और उनकी ये जो कहानियाँ हैं, उनकी फर्स्ट पार्ट में उनकी कहानी है जो वो लोग कैसे बचे हिम्मत दिखा के। फिर सेकेंड पार्ट में जो थाईलैंड में जो मेन सुनामी आई थी 2004 में, उसकी एक लड़की की बात है, डिली स्मिथ, बहुत ही करेजियस गर्ल थी वो। उसने कैसे अपने परिवार को बचाया और अदर विजिटर्स को कैसे बचाया अपने इंग्लैंड में पढ़े हुए जियोग्राफी लेसन के ज़रिए, उसकी है। और थर्ड पार्ट में हमने देखा कि एनिमल्स के पास ऐसी कोई सिक्स्थ सेंस होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। वो जो है वो अर्थ का जो वाइब्रेशन होता है, अर्थ वाइब्रेशन, उनको सुन सकते हैं, और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई थी। सो यहीं पे हमारा सेकंड लेसन ख़त्म होता है, द सुनामी। होपफुल आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। सो बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर।